नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का बयान। तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है राम मंदिर मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया है, मंदिर निर्माण में अड़ंगा किसने लगाया यह देश की जनता जानती है, ये कहना है प्रभुराम चौधरी का। बीजेपी हमेशा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में रही है, अब मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। राम मंदिर निर्माण में पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र है। भोपाल से खबर, मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का बयान, राम मंदिर मामले को लेकर बयान दिया है, मंदिर निर्माण में अड़ंगा किसने लगाया यह जानती है देश की जनता। बीजेपी हमेशा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में रही है, अब मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का बयान, मंदिर निर्माण में अड़ंगा किसने लगाया देश की जनता जानती, क्या कुछ जानकारी? हेलो जी आशीष जी। देखिए पूनम, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, और जब मीडिया ने इनसे सवाल किया प्रभुराम चौधरी से कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर जो सरकार के अब तक के प्रभाव थे, जो काम थे, उसका खास तौर पर असर नहीं देखा जा रहा है, खास तौर पर राजधानी भोपाल में, क्योंकि एक ही दिन में 11 मौतें हुई है, ये चिंता का विषय है। इस पर प्रभुराम चौधरी का साफ तौर पर कहना था कि 11 मौत जो हुई है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, लेकिन इस बात को लेकर भी प्रभुराम चौधरी का ने बयान दिया कि ये सभी 11 मरीज कोरोना से प्रभावित नहीं थे, पहले से दूसरी अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, इस वजह से इम्यूनिटी सिस्टम उनका वीक हुआ और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका जो स्वास्थ्य था वो लगातार बिगड़ता गया, इसी वजह से मौत हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ये भी कहा कि वे लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण करके वहां पर COVID-19 से रिलेटेड सभी की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं कि क्या कुछ काम हो रहे हैं, कैसे मरीज जो है, मरीजों का क्या कुछ कहना, इन तमाम बातों का जवाब भी प्रभुराम चौधरी देते नजर आए हैं। फिलहाल सरकार के प्रयासों से, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन ये भी साफ तौर पर कहा कि सरकार के प्रयास के अलावा लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है, जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो कोरोना का से काफी कुछ निजात मिल सकेगा। इसके साथ ही देश में कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के कार्यारंभ के लिए भूमि पूजन किया है, उसको लेकर प्रभुराम चौधरी का साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी ने जो कहा वो किया, कांग्रेस के लगातार राम मंदिर और राम को लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस कभी भी राम मंदिर निर्माण के विरोध में नहीं थी, इस पर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि देश की अदालतों में और लोगों की, जनता के सामने आखिर किसने राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाया है। इसके साथ ही डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राम मंदिर निर्माण के लिए खास तौर पर देश के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। जी आशीष जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का बयान आया राम मंदिर को लेकर, जिस तरीके से जो है सियासत लगातार गरमा रही है, बयानबाजी भी आ रही है, पहले जहां कांग्रेस पक्ष में नहीं थी लेकिन अब वहां कांग्रेस भी राम मंदिर के पक्ष में नजर आ रही है, तो इसी को लेकर कहा गया साफ तौर पर कि मंदिर निर्माण में अड़ंगा किसने लगाया ये देश की जनता जानती है। बीजेपी हमेशा से राम मंदिर के पक्ष में रही और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है, अब मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।